आप खासदार इम्तियाज़ जलील के ऑफिस पे किस मकसद से आए? दोस्त, मैं अष्टमी करके एक बीमारी है, उस बीमारी को विकलांगता की श्रेणी में लाने के लिए हमने इम्तियाज़ सर को अपील की थी और उन्होंने हमें यहाँ बुलाया था और आज हमारा आने का मकसद कबूल हुआ, क्योंकि उन्होंने हमें प्रॉमिस किया है कि आने वाले दिनों में हम इस बात को पार्लियामेंट में उठाएंगे। ये आप कितने साल से जुड़े हैं? मैं इस संस्था में 12 साल से जुड़ा हूँ। कौन कौन से मुश्किल का आपको सामना करना पड़ा? ये मुश्किल का सामना क्या, ऐसे मरीजों को काफ़ी दिक्कत होती है, एक बार ये बीमारी हो गई तो ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म नहीं होती है बीमारी, और इनके पेट पर मलमूत्र के रास्ते का नया निकासा निकाल दिया जाता है और हमेशा पेट पे यहाँ पे थैली चिपकी रहती है। इस तरह के मरीज ना भाग सकते हैं, ना दौड़ सकते हैं, ना रातों को सो सकते हैं, इनको लीकेज होने का डर रहता है, रात को इनको डिप्रेशन में रहते हैं, इनकी नींद पूरी नहीं होती है। ऐसे बहुत सारी समस्या। कितने मरीज होंगे आपके साथ? हमारे हिसाब से हमारे लिस्टेड में ऑल इंडिया में 4 लाख के मरीज हैं, साथ ही साथ औरंगाबाद में कम से कम 5 से 10 हज़ार मरीज हैं। औरंगाबाद के? जी हाँ। आपका पूरा नाम? मेरा नाम राजेंद्र गुप्ता, मैं इस संस्था को सपोर्ट करता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। आपका पूरा नाम? मेरा पूरा नाम शेखर भाई ठाकुर। आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है कि मेरा 98 में इंसेफ्लाइट का ऑपरेशन हुआ और मेरे पेट के ऊपर स्टूल का बैग है, वो 98 से मैं लेके घूम रहा हूँ और ये संस्था में मैं 2010 से जुड़ा हूँ, यानी 98 से तो मैं उनका मेंबर हूँ, लेकिन 2010 से मैं ऑनरेबल सेक्रेटरी के पद पे आज तक काम कर रहा हूँ। ये किट आपको कितने बार चेंज कराना पड़ता है? ये किट मुझे हफ्ते में कम से कम 5 दफ़े चेंज करना पड़ता है। उसकी कीमत? उसका कीमत होता है कम से कम 7,000 रुपये। 7,000 साल में मुझे एवरेज 75,000 रुपीज खर्चा। तो ये 75,000 आप कहाँ से पेड करते हैं? अभी मेरी ये तो करना ही है, अगर नहीं करेंगे तो हमें दवा या खाना नहीं रहेगा, चलेगा, लेकिन ये हमारा ज़रूरी ही है और हमको ये करना ही है। तो ये खर्चा कैसा आप बर्दाश्त करते हैं? अभी जीना है तो बर्दाश्त करना ही है, तो पकड़ के हम चल रहे हैं। अभी आप औरंगाबाद में खासदार इम्तियाज़ जलील के ऑफिस पे आए हैं, तो यहाँ से क्या उम्मीदें हैं आपको? यहाँ से हमें बहुत सारी उम्मीदें लेके जा रहे हैं। आज हम बड़े बड़े लोगों के पास गए, उधर के दर दर के ठोकर खा के हम भाग पीछे आ गए, लेकिन आज जलील साहब ने जो हमें आश्वासन दिया है कि आपके लिए, चलो आपका जो प्रोडक्ट मंगाए हम यहाँ आपको कारखाने की जगह देंगे, प्रोडक्शन तैयार करने की हम सुविधा देंगे, और ये भी हमको बोला कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा हम एक खासदार का ग्रुप बना के आपके लिए हम लड़ेंगे और आपको मैं खुद अभी आपका जो प्रश्न है मैं जल्दी पार्लियामेंट में उठाऊंगा और आपको न्याय देने की मैं उम्मीद दूंगी। ऐसे आपने हमको आश्वासन दिया और उन्होंने आज हमें खास बुला के हमारे पुण्य के लिए हमको खास बुलाया। मकरंद प्रभाकरराव दुनाखी। आप कहाँ से हैं सर? मैं औरंगाबाद से हूँ। आप क्या काम करते हैं? मैं ये स्टोमा के जो पेशेंट है उनको मदद करता हूँ। कैसी मदद करते हैं आप? मैं उनको बैग कैसे बिठाना है, उसका क्या केयर लेना है, तो त्वचा को कैसे संभालना है, इसकी मदद करता हूँ। तो ये मदद से आपको कुछ फ़ायदा है? मदद मैं उनको मदद भी करता हूँ, उसमें कुछ 2 पैसे मिल जाते हैं। और उसके अलावा? उसके अलावा ये लोगों को घर पे कैसा करना है ये सिखा देता हूँ, और ये लोगों के जो आशीर्वाद मिलते हैं, दुआएं जो मिलती है, वो बहुत बड़ी चीज़ है सर। कितने साल से काम कर रहे हो? मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ। तो ऐसे आपने अभी तक कितने पेशेंट को ये सिखाए हैं? मैं अभी तक 5,000 से ज़्यादा पेशेंट को ये सिखाया है और उनको खुद के ऊपर निर्भर किया है। आपको ऐसी कोई कराहियत महसूस नहीं होती कि जब आप उनकी ये सब चेंजेस करते हैं थैली वगैरह? होती है। पहले तो मुझे खाना भी नहीं जाता था, लेकिन मैंने मेरे मन की तैयारी कर ली और मैंने ये सोचा कि ये जो हम खाना खाते हैं उसी चीज़ का पैखाना बनता है, जो हम पानी पीते हैं उसी का जो पेशाब बनता है, और यही मैं पेशेंट लोगों को भी समझाने लगा तो पेशेंट को भी वो एक्सेप्ट करने लगे और उनका एक्सेप्टेंस जैसे जैसे बढ़ने लगा उनकी ज़िंदगी आसान हो गई। अभी आपका मकसद क्या है? मेरा मकसद है ये ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट उनको ये अवेयरनेस आ जाए, ये सारे प्रोडक्ट्स उनको कम से कम दामों में मिले, इसीलिए आज हम इम्तियाज़ जलील साहब से मिलने आए थे और उन्होंने हमको इस बात का वचन दिया है। क्या वचन दिया है? उन्होंने ये बोला है कि ये इन लोगों की जो समस्या है वो हम पार्लियामेंट लोकसभा में मानना रहे और उनको जो भी प्रोडक्ट्स लगते हैं उनको कम से कम दामों में औरंगाबाद में मिले, इसकी हम कोशिश करेंगे।
कितना एवरेज कितना लेते हैं? गैस सारिफिन की सहूलत के लिए भारत गैस का एक और बेहतरीन कदम। अब सिलेंडर बुकिंग के लिए फोन कॉल करने की भी जरूरत नहीं। बुकिंग के लिए अब कीजिए व्हाट्सएप पर सिर्फ एक मैसेज। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से हाय लिखकर सेंड कीजिए और बुकिंग ऑप्शन एक पर क्लिक करें। इसके साथ ही अब व्हाट्सएप पर ही ऑनलाइन पेमेंट की सहूलत। व्हाट्सएप लिंक या बारकोड स्कैन करके अब आप पेमेंट भी कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर 1800224344 पर। डिस्ट्रीब्यूटर अंबर गैस एजेंसी, जूना बाजार, औरंगाबाद।